मनावर की पूर्व विधायक पहुंची तो थी डूब क्षेत्र का दौरा करने इकलवारा, लेकिन यहाँ वो लोगों का दर्द बांटने की जगह अपना ही दुखड़ा रोने लगी और डूब प्रभावितों को यह तक कह दिया, बीजेपी की सरकार नहीं बनाई अब डूबो। आप भी सुनो पूर्व विधायक के तेवर और उनकी जनसेवा वाली भाषा। जीरो बैलेंस, आपने बताया 13 साल तक मैंने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया, बाकी आपने मांग मांग में के बाकी आज तक रास्ता भी मांगा। अरे ऐसा नहीं है, बाकी दीदी नहीं है आपकी दीन ने साहब, आज भी केंद्र सरकार चाहे तो बार मीटर कम करके हमको गांव को बसा सकती है। मर रहे हैं, मर जाएंगे दीदी, पूरा परिवार मर जाएगा, संपत्ति सही हमको बता, हमको हटा इसलिए भुगत रहे तुम। दरअसल हुआ यूं कि जहां डूब प्रभावितों ने विधायक को पूर्व की सरकार के जीरो बैलेंस पर सवाल खड़ा किया और विरोध दर्ज कराया तो वो नाराज हो गई और कह दिया कि देखो हमको हटाया तो भुगतो। अरे सब छोड़ो तो शांति लेने दो। विपरीत हालातों में जनसेवा करना ही राजनेता का धर्म होता है, जिसमें मैडम फेल हो गईं।